दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मैच खेला गया था और इस मैच में इंग्लैंड की कप्तानी जॉस बटलर कर रहे थे और उन्होंने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत आज कुछ खास तरीके से नहीं हो पाई थी, क्योंकि 9 रन के स्कोर पर ही रेस टोपले ने भारतीय टीम को पहला झटका दे दिया था शिखर धवन को आउट करके। वहीं इसके बाद भारतीय टीम को दूसरा झटका भी 37 रन के स्कोर पर रोहित शर्मा के रूप में लग गया था। वहीं 37 रन के स्कोर पर भारतीय टीम के दोनों ओपनर पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन इसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल के बीच काफी शानदार पार्टनरशिप हुई, जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 121 रनों की पार्टनरशिप की और 158 रन के स्कोर पर आदिल रशीद ने विराट कोहली को आउट कर दिया और विराट कोहली 66 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए। वहीं इसके बाद केएल राहुल का साथ देने के लिए ऋषभ पंत आए थे और ऋषभ पंत ने आते ही काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी चालू कर दी थी और ऋषभ पंत ने मात्र 28 गेंदों में अपने 50 रन भी पूरे कर लिए थे। वहीं इसके बाद 44वें ओवर की पहली बॉल पर केएल राहुल ने अपने वनडे करियर का 5वां शतक पूरा किया और वहीं इसके बाद 271 रन के स्कोर पर केएल राहुल टॉम करन की गेंद का शिकार हुए और केएल राहुल 108 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए। और इसके बाद हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने उतरे थे और उन्होंने आते ही पहली बॉल पर छक्का जड़ दिया था। वहीं 47वें ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 300 रन के पार पहुंच गया था। वहीं इसके बाद 308 रन के स्कोर पर ऋषभ पंत 3 चौके और 7 छक्के की मदद से 77 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए और वहीं टीम इंडिया 50 ओवर में 336 रन बना पाई 6 विकेट खोकर, जहां हार्दिक पांड्या ने आखिरी के ओवरों में काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी। उन्होंने मात्र 16 गेंदों का सामना करते हुए 4 छक्के और 1 चौके की मदद से 35 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल डाली। वहीं अब इंग्लैंड की टीम को ये मैच जीतने के लिए 337 रन बनाने थे।